जाते हैं, तो क्या लगता है कि इस प्रकार लगातार या फिर ऐसा कुछ फाइन की व्यवस्था या ऐसा कुछ दंड की प्रक्रिया बनाई जाए कि दुकानदार फिर से अतिक्रमण ना करें, तो इसके लिए प्रशासन क्या सोच रही है? माध्यम से यही मैसेज है कि दुकानदार अतिक्रमण ना करें और आवागमन सुचारू और सहज आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जेल की सुरक्षा जरूरी है, लोगों की सुरक्षा जरूरी है, ये सभी आम लोगों के हित में है। देखिए जो लोग भी फुटपाथ पर लगा रहे हैं उन लोगों से यही मेरा आग्रह है, और पहले भी हम माइकिंग वगैरह करवाए कि फुटपाथ पर नहीं लगाना है, उन लोगों के लिए व्यवस्था भी की गई है, वहाँ मेला मैदान वहाँ पर जाकर लगाएं, और उनके लिए वेंडिंग जोन का प्रपोजल है हमारे तरफ से, वो जल्दी से जल्दी कम्प्लीट होने वाला है, जिनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम, लेकिन जो एक निर्देश है हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो अभी उसको हमको कहाँ से कहाँ तक ये सब खाली करना है? ये जो मुख्य मार्ग है ये पूरा रोहतारा तक, रोहतारा तक अक्सर देखा जाता है कि सर ये पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस प्रशासन करती रही, लेकिन देखा जाता है कि दो दिन के बाद पुनः दुकानदार फिर से लगा देते। नहीं, पुलिस प्रशासन के स्तर से जो कार्रवाई है वो तो काफ़ी सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ साथ में नगर परिषद के स्तर से भी रेगुलर इस पर जाँच होती रहेगी, और जो नियम का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही अब आप नए आए सर, उम्मीद लगी है लोगों की व्यवस्था बेहतर होगी सर, बिल्कुल बेहतर करने का, और नगर परिषद गोड्डा को और बेहतर बनाने का प्रयास करें हर स्तर से। दूसरी चीज़ है कि साफ सफाई बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, उसको बेहतर करने का प्रयास है हमारे। थैंक यू। नगर पालिका के साहब से 7 लाख रुपया में, वहाँ से असनबनी चौक से रोहतारा चौक तक हम डाक दे चुके हैं, दुकान तुम लगाओ, और हम लोगों को कोई आज तक सूचना नहीं मिला है। सूचना मिला है कहाँ, जेल के बगल में खुलखुलना है, और बजाते हैं मेरे पास रसीद भी, और रसीद है मेरे पास सब कुछ, दिल्ली का रसीद। तो क्या जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया था कि यहाँ मतलब आप लोग दुकान यहाँ लगाइए, भाड़ा आप लोग यहीं पर लिया? हाँ, जी वो है दीपक साहब ठेकेदार नीलकमल के सामने उसका मकान है, आज वो नहीं आया हम लोग बताने के लिए। आप लोगों को पहले सूचना दिया गया था क्या? ना, हम लोग नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं मिला, जगह का चिन्हित किया गया है व्यवहार न्यायालय और जेल के चारों तरफ परिवार न्यायालय। हाँ, कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं आप? हम 1983 से है, तोड़ दिया गया आपकी दुकान? नहीं। सरकारी जमीन पर वो जिला प्रशासन